स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आने का। मैं आपका दोस्त संजय पासी और आप देख रहे हैं लूप टेक्नो सिस्टम। तो दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं बैंक्विस, जो कि माइलैब कंपनी का है। दोस्तों बैंक्विस का 440 मॉडल है, जो कि मेड इन ऑस्ट्रेलिया का है और दोस्तों जो है इसमें आपको 2 साल वारंटी के साथ मिलेगा। तो आज हम जो है इसी मशीन के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो अगर आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियोज का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों जो है मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि बैंक्विस 440 में जो है खास क्या क्या चीज़ फंक्शन है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है इसमें क्वाइन का है, रेलिक का है, ज्वेलरी और कस्टम का भी फंक्शन दिया गया है। दोस्तों इसका जो टेक्नोलॉजी है वो मल्टी आईक्यू टेक्नोलॉजी की ये मशीनें होती हैं दोस्तों। इसमें ऑल मेटल्स का मोड है, ऑल सॉइल, ऑल टाइम, किसी भी जो है तरह की सॉइल हो आपके एरिया में हर जगह ये कंफर्टेबल है और इजी टू यूज मशीन है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो कॉइल होती है दोस्तों वो है 10 इंची की कॉइल होती है, जो कि वाटरप्रूफ कॉइल होती है। ठीक है, तो आप चाहें तो पानी के अंदर जो है कॉइल को 1 मीटर तक जो है डुबो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो है माइलैब बैंक्विस 440 में क्या क्या चीज़ आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको अनबॉक्सिंग का वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बैंक्विस 440 यूज करना है और कैसे ये अलग अलग मेटल को बताता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये है, ये रेन कवर है, जो कि आपकी मशीन डस्ट से भी बचा सकता है और रेन से भी बचा सकता है। ठीक है, ये रेन कवर जो है कंपनी की तरफ से मिलता है दोस्तों। ये है यूजर मैनुअल बैंक्विस 440 और 540 का जो है ये मैनुअल है, दोनों का सेम ही होता है। और ये है माइलैब का सेल है, जो कि 4 सेल मशीन में लगता है। ये स्टिक होता है और दोस्तों ये है होस्ट मशीन। ठीक है, ये है माइलैब का सीरियल नंबर है, देख लीजिए यहाँ पर जो है बैटरी लगता है। ये 4 से लगता है। ठीक है दोस्तों, ये हैंडल है जो कि हम मशीन को ऐसे करके यूज करते हैं और दोस्तों ये है हेडफोन। ठीक है, माइलैब का हेडफोन। और ये है दोस्तों कॉइल है, 10 इंची की कॉइल है। ठीक है, ये हैंडल ग्रिप। तो दोस्तों आपको इतना सामान इसमें मिलेगा नहीं बस। ओके ओके, हाँ तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले दिया गया है, बिल्कुल इजी टू यूज मशीन है। ये मल्टी आईक्यू टेक्नोलॉजी दिया गया है, इसमें लिखा भी है। ठीक है, यहाँ से देखिए 0 से लेकर -9 इस साइड अगर आएगा तो आपका होगा लोहा। ठीक है, उसके बाद जो है 0 से कोई भी अगर जैसे 40 तक का कोई भी सिग्नल आएगा तो होगा नॉन फेरस मेटल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से आप जो है साउंड यहाँ पर देख लीजिए, वैल्यूम एडजस्टमेंट। ठीक है, यहाँ से आप माइनस प्लस कर सकते हैं। ये होता है ऑन ऑफ का बटन। ठीक है, पावर ऑन ऑफ। और दोस्तों ये है ऑल मेटल का फंक्शन, ये यहाँ पर देखिए बना हुआ है, ये ऑल मेटल का फंक्शन है। ये है हमारा पिन पॉइंट का ऑप्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स में लिखा हुआ है। और ये जो साइन बना हुआ है दोस्तों, ये है जो है सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट करने के लिए। ठीक है, माइनस प्लस करके घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये देख सकते हैं, ये है डिस्क्रिमिनेशन मोड है। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है डिस्क्रिमिनेशन मोड, आपको जो चीज़ है, सॉरी ये चीज़ है दोस्तों, ये डिस्क्रिमिनेशन मोड का है।
और ये है रिजेक्ट, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। आपको क्या चीज़ एक्सेप्ट करना है और क्या चीज़ रिजेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे देखिए एक सही का निशान लगा हुआ और एक कट का निशान लगा हुआ है। ये है सर्च मोड यहाँ पर, तो आपको जिस सर्च मोड में जाना है आप जो है जा करके सेट करके आपको मशीन जो है चलाना होगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताऊंगा मशीन कैसे अलग अलग मेटल को बताती है और कैसे यूज करना है। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले जो है मैं मशीन को ऑन करता हूँ, ठीक है मशीन ऑन हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए अभी क्या है कि मैं ऑल मेटल मोड पर यूज करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं ऑल मेटल मोड कर देता हूँ और क्वाइन मोड पर चला रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ये देखिए आयरन है, ठीक है आयरन पे भी मशीन आवाज कर रहा है। ये है नॉन फेरस है, ठीक है। आप यहीं से ऑल मेटल पर ही पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल फेरस है और कौन सा नॉन फेरस है। जैसे कि ये फेरस मतलब होता है आयरन, फॉइल वगैरह हो जाता है, ठीक है दोस्तों। नॉन फेरस में गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज ये सब हो जाता है। ये है आयरन का सामान, ठीक है दोस्तों, और ये है नॉन फेरस का। अभी क्या दोस्तों अगर मैं चाहूँ तो जो है यहाँ से सेंसिटिविटी, ये देखिए सेंसिटिविटी जितना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मैं कमरे के अंदर मशीन को यूज कर रहा हूँ दोस्तों, तो मैं ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं बढ़ा सकता हूँ। क्योंकि कोई भी मशीन हो सेंसिटिविटी जो है अगर आप रूम के अंदर मशीन को यूज कर रहे हैं तो बढ़ाते हैं तो आसपास बहुत सारा मेटल होता है तो उसे भी कैच करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है दोस्तों। ये आपको ध्यान देना है कि अगर आप जो है मशीन घर के अंदर यूज करते हैं तो सेंसिटिविटी आपको कम पे रखना होगा। यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर शो करता है कि बैटरी जो है वो कितने परसेंटेज चार्ज है। यह है सेंसिटिविटी, आप माइनस प्लस जितना चाहें अपने हिसाब से घटा सकते हैं, ठीक है। ये है यहाँ से आप ट्यून आप जो है चाहे ट्यूनिंग सेट कर सकते हैं, जितना कम ट्यून चाहिए उतना अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। अब मैं जो है सर्च मोड है, जैसे कि अभी मैं क्वाइन पे था, ठीक है। अब मैं सर्च मोड को एक बार, ये है रेलिक मोड है, ठीक है। अब रेलिक मोड पे क्या है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसमें ये हमारे पास ये आयरन है। मैं देखता हूँ कि आयरन सर्च करता है कि नहीं करता। आयरन को पूरी तरह से बंद कर रखा है, ठीक है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये नॉन फेरस है, कितना परफेक्ट साउंड आ रहा है। ये है रेलिक मोड पे। अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है ज्वेलरी का मोड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिंग बना हुआ है। अब ज्वेलरी भी दोस्तों ये नॉन फेरस में आता है तो आयरन को बंद कर देता है, ठीक है। नॉन फेरस का ट्यून अलग आ जाता है। अब उसके बाद ये है कस्टम का, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं आप जो 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 है ऑप्शन कस्टम में आपको यूज करना है तो कौन कौन सा ऑप्शन बंद हो गया है, ये देखिए आयरन वगैरह सब कुछ बंद रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं, जिस मोड में आपको यूज करना हो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ऑल मेटल का करना है तो दोस्तों ऑल मेटल कर दीजिए। यहाँ से जो भी चीज़ को आपको रिजेक्ट करना है आप यहाँ से रिजेक्ट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप इसे चाहें जितना चाहें आप अपने हिसाब से घटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसे लॉक कर दीजिए, ये चीज़ है इसे आप इतना कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। ये देखिए छोटा हो गया, इसे भी चाहे आप ऐसे कर सकते हैं। तो कैरी करने में भी बिल्कुल ईजी है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि हमारी दी हुई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो वीडियो पे एक लाइक आप जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे अगर आप हमारे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और जो है बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर दीजिए जिससे कि हमारे सभी वीडियोज का अपडेट आपको सबसे पहले मिले, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको जो है मेटल डिटेक्टर मशीन परचेज करनी है तो हमारा नंबर जो है आपके डिस्प्ले पर शो हो रहा है दोस्तों, आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैंने अपना पूरा डिटेल जो है एड्रेस कंपनी का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर के आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय।